हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर वीडियो बनाने की, तो हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर। और अब जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो सीक्वेंस वाइज करूँगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एंग्लो सैक्सन पर वीडियो बनाई तो कल मैं विक्टोरियन एज पर बना दूँ, नहीं। हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे एक एक करके, और कोशिश करूँगा मैं आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की। तो सबसे पहला पीरियड होता है एंग्लो सैक्सन पीरियड, जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत को माना जाता है। तो दोस्तों, पहले हम एंग्लो सैक्सन पीरियड का हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि उस पीरियड में चल क्या रहा था। उसके बाद हम लिटरेचर के ऊपर आएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर अर्ली इन्हेबिटेंट्स हैं इंग्लैंड के, जो कि सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं। इन्हें आप क्रॉन वर्ड से याद कर सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर केल्ट्स, आर फॉर रोमन कॉन्क्वेस्ट, ए फॉर एंग्लो सैक्सन इन्वेंशंस, वी फॉर वाइकिंग इन्वेंशंस, एंड एन इज फॉर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं केल्ट्स की, जिन्हें ब्राइथॉन्स और गेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रिटेन नाम जो है वो भी ब्राइथॉन्स ट्राइब से ही लिया गया है। केल्ट्स 55 BC तक इंग्लैंड में रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में इन लोगों ने माइग्रेशन किया था एक आइलैंड में, और उस आइलैंड को आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। उस समय रोम एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था। रोम वॉज दी वर्ल्ड्स मोस्ट डोमिनेंट एम्पायर एंड द मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स ऑफ दैट टाइम। तो रोमन्स जो होते थे वो बार बार इस आइलैंड पर आक्रमण करते थे, इन्वेंशंस करते थे, और 55 BC में वह इंग्लैंड में आ गए, और उन्होंने बड़ी आसानी से अपनी गवर्नेंस इस्टेब्लिश कर दी। रोमन्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया था। उन्होंने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स इंग्लैंड में बनाई थी, जिनमें हैड्रियंस वॉल भी शामिल है। और ये लोग अपने साथ लैटिन लैंग्वेज को लेकर आए थे, जिसने इंग्लैंड के लोगों को और वहाँ की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। आज रिसर्च बताती है कि 27% इंग्लिश जो है वो लैटिन लैंग्वेज से ही बनी है। और लैटिन ने ना सिर्फ इंग्लिश को बल्कि इटालियन, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सभी लैंग्वेज को लैटिन ने इन्फ्लुएंस किया है। वो बात अलग है कि लैटिन आज की डेट में डेड हो गई है, लेकिन उस ज़माने में वह बहुत बड़ी लैंग्वेज हुआ करती थी, और जितनी भी क्रिश्चियंस बुक हुआ करती थी वो लैटिन में ही थी। इवन जो बाइबल है उसको भी इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट किया गया। लैंग्वेज पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 8-9 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें ज्ञान भरपूर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। चलिए अब बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की, जिसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इस पीरियड की शुरुआत रोमन्स के बाद होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्राइथॉन्स के नाम से ब्रिटेन नेम बना था, और जब एंग्लो सैक्सन यहाँ आए थे तो एंगल लैंड इस आइलैंड का नाम हो गया था, और एंगल लैंड नेम से ही बाद में जाकर इंग्लैंड बन गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर रोमन्स ने इंग्लैंड छोड़ा क्यों, क्योंकि जब तक रोमन थे तो काफ़ी अच्छा शासन चल रहा था, बहुत बढ़िया सारी चीज़ें हो रही थी, तो फिर रोमन्स गए क्यों इंग्लैंड से। तो मैं आपको बताऊँ, विसिगॉट्स नाम की एक बहुत ही ख़तरनाक ट्राइब हुआ करती थी। बहुत ही एग्रेसिव थे ये लोग, और इन्होंने रोम पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इंग्लैंड में जो रोम की मिलिट्री थी वो वापस रोम चली गई थी, अपने घर चली गई थी, क्योंकि वहाँ पर उनकी खुद की ज़मीन उनसे छीन रही थी। ऐसे में उनको डिफेंड करना था। तो इस समय इंग्लैंड में कोई भी आर्मी नहीं थी। केल्ट्स थे लेकिन वो बहुत कमज़ोर थे, और उनके बस की भी नहीं थी गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना। तो बिल्कुल एक ओपन स्पेस था जिस पर आसानी से आकर कोई भी हुकूमत कर सकता था। तो ऐसे में बहुत सी ट्राइब्स इंग्लैंड में आने लगी, जिसमें दो ट्राइब्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पिक्ट्स और स्कॉट्स। पिक्ट्स आई थी नॉर्थ से और स्कॉट्स आई थी आयरलैंड से। अब इतनी सारी ट्राइब्स जब इंग्लैंड में आने लगीं तो केल्ट्स तो बहुत कमज़ोर थे, वो लोग इनका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एंग्लो सैक्सन्स को इनविटेशन दे दिया कि भैया आप यहाँ आ जाओ और हमें बचा लो। लेकिन गलती यहाँ पर केल्ट्स ने ये कर दी कि वह एक दूसरे इन्वेडर को बुला रहे थे किसी तीसरे इन्वेडर से बचाने के लिए। भाई एंग्लो सैक्सन्स भी तो इन्वेडर ही हैं ना, और सब की तरह जैसे पिक्ट्स स्कॉट्स इन्वेडर हैं वैसे ही एंग्लो सैक्सन भी थे।
बहरहाल कैल्ट्स के इनविटेशन पर एंग्लो सैक्सन मसीहा की तरह इंग्लैंड में आए और अपनी हुकूमत बना ली वहाँ पर, और इंग्लैंड को एक नया शासन मिल गया। एंग्लो सैक्सन्स में तीन तरह की ट्राइब्स मिली हुई थी, एंजल्स, ज्यूट्स और सैक्सन्स। ज्यूट्स का कोई ज़्यादा बड़ा रोल था नहीं, इसलिए हम इन्हें एंग्लो सैक्सन से ही जानते हैं। एंग्लो सैक्सन्स के दौर में कैल्ट्स ने ब्रिटेन को पूरी तरह से छोड़ दिया था, वो एक अलग जगह पे चले गए थे और उनका नामोनिशान ख़त्म हो गया था, और पूरे ब्रिटेन पर एंग्लो सैक्सन्स छा गए थे। एंग्लो सैक्सन्स ने 5 किंगडम्स बनाए जिसे द हेप्टार्की कहते हैं। इन 5 किंगडम्स के नाम थे नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजलिया वेसेक्स और कैंट। और इन 5 किंगडम्स का जो हेड था वो था वेसेक्स, और वेसेक्स में ही किंग रहा करता था, और उस समय एंग्लो सैक्सन्स का किंग हुआ करता था किंग एल्फ्रेड, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट कहा जाता था उसे। इसी दौर में वाइकिंग ने अटैक करना शुरू कर दिया था। वाइकिंग बहुत ही जंगली और वायलेंट लोग होते थे, बहुत एग्रेसिव थे ये लोग भी। वाइकिंग की क्रुएल्टी उनके एग्जीक्यूशन से पता लगाई जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कितने वायलेंट लोग थे ये। जब भी इन्हें किसी को एग्जीक्यूट करना होता था, किसी को सजाए मौत देनी होती थी, तो ये उस बंदे को उल्टा लिटा दिया करते थे, किसी नोकीले औजार से उसकी जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उनको बाहर निकाल दिया करते थे, और ये तब होता था जब वो इंसान ज़िंदा था, ज़िंदा इंसान पर करते थे ये, और उसको चिड़िया जैसे उसके पर बना दिया करते थे, रिब्स के विंग्स विंग्स बना दिया करते थे, और फिर उसके ऊपर नमक लगाया करते थे। ये जो एग्जीक्यूशन है ये ब्लड ईगल के नाम से बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस पर भी डिबेट है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सच में होता था, कुछ कहते हैं ये गलत बात है। बहरहाल बहुत पुरानी बात है तो हम श्योर नहीं हो सकते, लेकिन बहुत क्रूएल लोग थे ये लोग। तो आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। फिर वाइकिंग और एंग्लो सैक्सन दोनों का एंड हो जाता है 1066 AD में, क्योंकि अब अटैक हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का। ये लोग फ्रांस से आए थे और पहली बार इंग्लैंड में ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए थे। डिटेल में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो में बता रखा है। इससे पहले फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड की ज़मीन पर नहीं आई थी, पहली बार ये लोग लेकर आए थे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का किंग विलियम द कॉन्क्वेयर हुआ करता था, जिसने हैरोल्ड गॉडविंसन को हराया था। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ मिनट्स में आपको पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश करी है, जिससे आपको पता लग जाए कि उस ज़माने में चल क्या रहा था, एक आइडिया हो जाए आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आप डिटेल में कहेंगे तो डिटेल में भी बना देंगे किसी दिन। अब हम बात करेंगे लिटरेचर की। एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिटरेचर बहुत कम लिखी गई थी। उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में ओरल लिटरेचर पॉपुलर थी, माने कथाएं जो थी वो मुँह ज़बानी सुनाई जाती थी, उस ज़माने में वो प्रचलित थी। द लिटरेचर वॉज मोस्टली ओरल इन नेचर एंड इन टर्म्स ऑफ रिटन लिटरेचर देयर इज़ ओनली अ हैंडफुल ऑफ टेक्स्ट। और एक तो लिटरेचर बहुत कम लिखी गई, ऊपर से जो लिटरेचर लिखी गई उसमें से भी बहुत कम लिटरेचर थी जो सर्वाइव कर गई। तो दोस्तों, जो भी हमारे पास लिटरेचर है उसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिलीजन, दूसरा है वॉर, और तीसरा है द ट्रायल्स ऑफ डेली लाइफ। इन तीनों कैटेगरीज में ही लिटरेचर सबसे ज़्यादा लिखा गया है, और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को पढ़कर हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि किस तरह की सोशल लाइफ उस ज़माने में हुआ करती थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है बीवुल्फ। इस टेक्स्ट का कोई नेम नहीं था, लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इसको डिस्कवर किया और इस पर रिसर्च हुई तो इस टेक्स्ट का जो हीरो था उसका नाम था बीवुल्फ। तो इसलिए इस टेक्स्ट का नाम भी बेवुल्फ रख दिया गया, ताकि इस टेक्स्ट को एक पहचान मिल सके। बेवुल्फ एकमात्र ऐसा टेक्स्ट है जो सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट में मिला है, बाकी सब टेक्स्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए मिले हैं। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो भी डैमेज थी और जली हुई थी। तो दोस्तों, इस टेक्स्ट की ट्रांसलेशन भी पूरी नहीं है, काफ़ी लिमिटेशंस हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि इसका ऑथर कौन है। तो दोस्तों, इस टेक्स्ट के ऊपर एक फ़िल्म भी बन चुकी है 2007 में, और फिल्म का नाम भी बेवुल्फ ही है।
बेवुल्फ के ऊपर मैं भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इसका एनालाइजेशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पोइट्री की, तो कैडमन और काइन वुल्फ, ये दो नेम बहुत पॉपुलर हैं पोइट्री के, और ये दोनों नॉर्थ से बिलोंग करते थे। और ऐसा माना जाता है कि एंग्लो सैक्सन्स जब क्रिश्चियंस बनने लगे तब पोइट्री लिखना वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो पोइट्री हमें मिली है उसमें बिब्लिकल और रिलीजियस थीम्स हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है डियोर। डियोर एक 42 लाइन्स की छोटी सी पोएम है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जर्मेनिक टाइम्स के बहुत सारे फेमस लेजेंड्स जो हुआ करते थे उनके ग्लिम्स हमें इस पोएम में मिलते हैं, और उन लेजेंड्स के बारे में हमें इस पोएम से पता लगता है। इसके बाद अगेन एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट पोएम है द ड्रीम ऑफ द रोड। ये पोएम एंग्लो सैक्सन की जो रिलीजियस पोइट्री वाला सेक्शन है उस कैटेगरी में आती है। बीवुल्फ की तरह ही द ड्रीम ऑफ द रोड का राइटर भी अनोनिमस है, हमें नहीं पता ये पोएम किसने लिखी है। एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है द एग्जेटर बुक। ये कलेक्शन है बहुत सारी पोएम्स का, और 10th सेंचुरी के आसपास इसको बनाया गया था। इट इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री। इस बुक के कुछ मेजर पोएम्स आपकी स्क्रीन पर मैंशनड हैं, द वेंडरर, द सी फेरर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, द रुइन, और इसके अलावा 95 रिडल्स भी हैं। पोइट्री के बाद अगर हम बात करें प्रोस की, तो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, ये एंग्लो सैक्सन के किंग थे और इन्हें लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। प्रोस के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने बहुत सारे जो वर्क्स थे वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाए थे, और ये चाहते थे कि जो वर्क्स लैटिन में लिखे हुए हैं वो आम भाषा में ट्रांसलेट किए जाएं, जिससे सब लोग उसको समझ सकें और पढ़ सकें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर देंगे। अपने सजेशंस, अपने सुझाव को कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।